झारखंड में विधानसभा चुनाव का मुकाबला काफी रोचक होने की उम्मीद जताई जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान और सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा को बीजेपी इसलिए झारखंड भेजी है कि वो अपनी ही गई गलतियों का माफी आदिवासी समाज से मांग सके। झारखंड 24 चुनावी वर्ष है, लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, दोनों गठबंधनों को ठीक ठाक जनता का समर्थन मिला है, लेकिन इंडी गठबंधन का एक तरह से कह सकते हैं कि मनोबल इस प्रदर्शन से बढ़ा हुआ है। अगर बात करें विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों गठबंधन पूरी तैयारी में हैं। सभी राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से बैठक कर रहे हैं और समीक्षा कर रहे हैं किस तरीके से विधानसभा चुनाव में जाया जाए। उसी निमित्त कांग्रेस भी बैठक की है दिल्ली में। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी खुद दिल्ली गए थे और इनकी बैठक में शामिल हुए। बैठक हुई, क्या कुछ बातें हुई उस पर बात जानेंगे। क्या कुछ बातें हुई अध्यक्ष जी, जब दिल्ली बैठक हुई, सीटों पे चर्चा हुई, क्या मैनिफेस्टो होगा इस बार झारखंड का विधानसभा चुनाव का, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव का मैनिफेस्टो था उससे लोग प्रभावित थे। देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर के बैठक हुई है, मैनिफेस्टो में किन चीज़ों को शामिल करना है उसके लिए मैनिफेस्टो कमेटी बनाई जा रही है और वो लोग तय करेंगे कि किन किन मुद्दों पर हमने काम किया और कौन कौन से मुद्दे बाकी हैं, उन सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करके फिर वो करेंगे। सीटों पर भी चर्चा हुई क्या? निश्चित रूप से सीट पर भी चर्चा होनी है, अभी इस तरह की कोई बात नहीं। हम लोग ऑलरेडी गठबंधन में है, सबको पता है कौन कितने सीटों पर लड़ा है और उस हिसाब से फिर एक बार चुनाव लड़ेंगे हम लोग गठबंधन में। झारखंड में इंडी गठबंधन का प्रदर्शन ठीक रहा है, वैसे में आप देखेंगे कि बीजेपी के दो बड़े नेता को प्रभारी बनाकर, यहाँ प्रभारी और सहप्रभारी बनाकर भेजा गया है, हेमंत बिश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान को, तो किस तरीके से देखते हैं कि इनका जो कितना प्रभाव डालेगा विधानसभा चुनाव? नहीं देखिए, इससे पहले भी लोकसभा चुनाव में देश का कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं था, देश के प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो, देश का रक्षा मंत्री हो, सब लोग आकर के तो अपना नुकसान किए हैं। अभी दो भेजे हैं और दो भेज दें, जितना लोग को भेजेंगे, जितने मुख्यमंत्री को भेजेंगे, जितने देश के राष्ट्र के मंत्री को भेजेंगे, उतना ही हमें फ़ायदा मिलेगा। हमारी तो गुजारिश होगी और दो चार पांच लोग भेज दीजिए ताकि हम आसानी से चुनाव जीत जाए, बिना प्रचार किए जीत जाए। कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुआ उसी तरीके से मोराल कह सकते हैं बढ़ा हुआ है इंडी गठबंधन का झारखंड में, और ईडी को लेकर जो सवाल लगातार उठ रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कहा कि ईडी को अब स्वतंत्र तरीके से काम करना चाहिए। अब देखना यह होगा कि किस तरीके का निर्णय, किस तरीके का मैनिफेस्टो इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से, इंडी गठबंधन की ओर से तय किया जाता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का मैनिफेस्टो लोगों को लुभाया है और उसका कारण यह रहा कि लोगों ने समर्थन भी ठीक ठाक लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन को दिया। अपने सहयोगी दीपक के साथ राहुल कुमार, कशिश न्यूज रांची।